गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 10 बज रहे हैं और अभी हम सो के उठे हैं क्योंकि कल हम मेले से 12:30 1 पर आए थे। फिर उसके बाद हम जब चारों मिल जाते हैं तो कार्ड्स खेलने तो बनते ही हैं, ऑब्वियसली बनते हैं। तो बस फिर उससे खेलते खेलते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो रात में कुछ हम 2:30 बजे सोए थे, तो बस अभी उठे और मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी। हाँ, बहुत दिन हो गए यार, ना कोई डाइट फॉलो करी ना ही कोई एक्सरसाइज करी। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मेरी बॉडी थोड़ी सी अकड़ी अकड़ी सी लग रही है, तो स्ट्रेच कर लूँ। फिलहाल मैं वही करने आई हूँ स्ट्रेचिंग, इतनी धूप में कोई मुझे पागल ही समझेगा। तो गाइज, मैंने एक्सरसाइज थोड़ी सी सिंपल ही रखी है क्योंकि आप सबको तो पता है कि पिछले कुछ दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, बट कोई नहीं, तो मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगी। तो गाइज, जिसे बोलते हैं गर्मी, इतने आध घंटे मैंने एक्सरसाइज करी, बस मेरे कितने बहुत ज़्यादा पैर जल रहे हैं। तो मैं इस गर्मी में और नहीं रुक सकती, मैं नीचे जा रही हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा नहाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस, मैंने नहा लिया है और पता नहीं क्यों यार मुझको नहाने में इतना ज़्यादा कष्ट, इतना ज़्यादा आलस आता है कि बस यार मत नहाओ, रहने दो, आराम से बैठे रहो। पर क्या करें, आज वर्कआउट किया था तो नहाना तो बनता है। तो बस नहा लिया मैंने और इतने दिनों बाद वर्कआउट करने के बाद मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है मतलब। और यहाँ पर बैठी है खुशी, क्यों बैठी है खुशी? इंतजार कर रही हूँ। किसका? तुम्हारा। क्यों? कल बताया तो था कॉलेज जाना है। अरे हाँ यार, कॉलेज मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गई। तो मतलब तुम्हें पता ही नहीं था? नहीं, तो मैंने घर के कपड़े पहने यार, ऑब्वियसली नहीं पता मेरे को। तो तभी मैं कहूँ 11:30 बजा यार, अब तुम्हारे चक्कर में 12 बजे की धूप झेलनी पड़ेगी। सॉरी, मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ वो क्या कर रही है, तब तक तू कपड़े चेंज कर। मैं तो तैयार हूँ। ऐसे कपड़ों में जाएगी? सुंदर नहीं दिख रही क्या? नहीं, चेंज कर क्या जल्दी। मम्मी, मम्मी लगी अपनी किचन में, देख मैं लौकी बना रही हूँ। मम्मी हमको लौकी खिला खिला के मारोगी क्या? तो मैं आपको बताती हूँ कि आज सुबह से क्या हो रहा है हमारे घर पे। देखो, हम तीनों ने डिसाइड किया था कि लौकी के कोफ्ते बनने वाले हैं, तो हम तीनों ने आपस में ही कर लिया, मम्मी से नहीं पूछा। इन लोगों के लिए बने थे, मैं तो वैसे भी नहीं खाती क्योंकि कल का बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, इसीलिए मैं तो बस सिंपल दाल रोटी खाने वाली हूँ। क्रीम लाने के लिए मम्मी के पास पैसे लेने के लिए गई, तो मम्मी ने ऐसी बुरी फटकार के मेरे को भेजा कि कोई नहीं बनने लौकी के कोफ्ते, शांति से दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुड़ खाओ, लौकी की सब्जी बनेगी सिर्फ। इतनी बुरी हंसी आई। वैसे वो नॉर्मली मना नहीं करती हैं, पर कल थोड़ा सा हैवी हो गया था इसीलिए मना किया। ठीक है, फिलहाल मैं और खुशी रेडी होकर निकल ही रहते, खुशी भी यहाँ पे रेडी हो गई, मैं भी रेडी हो गई। तो यहाँ पे मम्मी का नाश्ता बन गया, भैया हमको खिला रहा है। तो गाइस, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब हम जा रहे हैं कॉलेज। मम्मी बाय, भैया बाय। सुन ही नहीं रहा है कोई। बाय घर, बाय, हमको मिस मत करना क्योंकि तेरे अलावा और को हमको कोई मिस ही नहीं करता। आना मत, ठीक है? आओ भैया, बोला आना मत। क्या मोबाइल ले ले कोई सा भी एक। हाँ, उसमें मोबाइल रख के दे दो भैया का, पोको ही दे दो, पोको। अरे ये तो मेरी शक्ल दिख गई। मैं आपको गाइस ये दिखाना चाहती थी। क्या दिखाना चाहती? ये तू पर्स ले रही है। इस घर को देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बताऊँ, वो जगह है जहाँ पर मम्मी बिना पूछे बताए घर में घुस गई और फूल तोड़ के ले आई। फिर वो आंटी ने इतना आदर सत्कार किया मम्मी का, खतरनाक वाला यार। हाँ, कंप्लीट करके रख ले फिर डायरेक्ट, ताकि सबमिट ही कर देना। 8 तारीख से जमा होंगी। अरे यार फालतू यार। हम लोगों को पता है इसीलिए हंसी आई थी, मम्मी ने देखो पैसे किस चीज में रखे हैं, सिंदूर की डिब्बी में और क्यूट से पर्स में। हाँ है ना, चिल्लाड़े मम्मी ने अपना पर्स विद सिंदूर की डिब्बी में पैसे। वाह, गांव जैसी फीलिंग आ रही है। देखने को नहीं मिलती ना ये शुक्रिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम बहन, बेफालतू में लेकर आई ना, काम की काम नहीं हुआ, साथ में मेरा मन भी नहीं था जाने का। अरे यार मुझे क्या मालूम, और ऊपर से इतनी 12 बजे की धूप में लेकर आया। एक काम अच्छा हो गया कि सबमिट करना बचा है, बस बाकी सारा काम हो गया। हम घर आ गए हैं। ठीक है, रख रहे क्या? बाहर ही रखना है, अंदर नहीं रखना। पापा जा रहे हैं बाजार। बेफालतू में गए यार। तुम वापस क्यों आ रहे हो? अरे 7 तारीख से फॉर्म भरने थे, तू पूरा तो पूछ कर आता। 7 तारीख से मतलब? 7 तारीख से भरेंगे फॉर्म। भरेंगे नहीं, सबमिट होंगे मतलब। तो गाइस, पेड़ की सेफ्टी के लिए देखो हमें क्या क्या करना पड़ता है। क्या किया? बस पढ़ रही तो टाइप किया है, और क्या किया? इतना भी कर दिया वो बड़ी बात है तुम्हारे लिए। मैंने तेरी इंसल्ट कर दी दीदी। आ रहे भैया, आ रहे।
भी नहीं खा रहे अभी चावल खा रही तो हाँ दूध आ गया नीचे दुकान पे भी है कोई ले ले तुम दूध ले ले हाँ। ना नहीं रोटी नहीं तो कर केला गुड़ खाए अगर हवा चल रही है तो वाले दूध तो ले करेंगे फिर तो दूध वाले अंकल थोड़ा नीचे लगाया करो इधर नहीं नहीं नीचे नहीं नहीं यही सही है यार यही सही है नहीं नहीं इधर ले लेंगे अंकल आपका खुला हुआ है ये नीला वाला अंकल ल्यूट लगा के सुनते तो सुना नहीं उन्हें सॉन्ग चलाते हैं अंकल जय श्री राम वाले गाने छोड़ो मम्मी खाना वाना छोड़ो कुछ काम ही नहीं हुआ बेफालतू में गया था 7 तारीख से सबमिट कोने है फोन आज खाने में भरता बना है लौकी की सब्जी बनी है दाल बनी है और फल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये वाली चॉकलेट को भूल गए होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस ये भैया जब दिवाली पर आया था तो हमारे लिए लेकर आया था पर उसने खुद ने तो खाई नहीं तो हमने 6 महीने तक रखी है टेस्टी थी फाइनली गाइस हमारी वीडियो की एडिटिंग हो गई है और आज थोड़ी ज्यादा ही लेट हो गई ये 7:45 लगी है और उस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देना बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ज्यादा खुराफाती किया है ये क्या है ये मैं टेस्ट करो पता नहीं लेकिन जो भी बहुत टेस्टी है भारत ही देखो मेरे को खाने की चीज मिल रही है मम्मी ने जो महंगी है उनमें से मैंने जो खाई वो चिंगी है नहीं वो बूंदी के लड्डू के ऊपर डालती है ना वो खा रहे तो फिलहाल क्या क्या लिख लिया बताओ बोल दिया सब इन लोगों ने क्या बनाया है जो मुझे नहीं मिलने वाला है क्या है वो बना दिया जब बनेगा तब पता चलेगा ये है Yes, all right. अभी प्रोसेस बाकी है गाइस देखो ना कसम से खुशी उससे भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है क्या है अभी कैसे लग रहा है The next morning. तो गाइस मैं सोकर उठी थी उसमें मैंने देखा कि मम्मी पापा बहुत ज्यादा टेंशन में हैं फिर मैंने बाहर जाके मम्मी पापा से पूछा तब पता चला कि कमरे में बंदर आ गया है धनिया खा रहा है धनिया वो धनिया नहीं आते हरी वाले फिर हमने चेक करने के लिए कि वो बंदर गया कि नहीं गया हमने गेट खोलकर देखा तो गाइस देखो बंदर फ्रिज पे बैठा है और सॉस की जो पाउच रखी थी वो चूस रहा है या वो पूरी सॉस की पाउच पी है अली मैं नहीं लाई थी पापा चिल्ला रहे तो यहाँ पे आ गया नहीं नहीं पापा वो निकाल रहे थे पापा ने गेट खोला वैसे ही वो आ गया वो अपने घर को देख रहा है कि अगली बार आऊंगा तो यहाँ पे भी खाऊंगा तो गाइस हमारे घर पे बंदर आ गया है वैसे तो नॉर्मली आते रहते हैं पर ये वाला बंदर है ना वो घर में आके और बैठ के टमाटर खा रहा है धनिया खा रहा है सॉस खा रहा है भी आपको बताया तो बस मम्मी उसी चीज का इंतजार कर रही है कि वो जल्दी से भाग भैया मम्मी हॉल में नहीं रुको रुको मैं देख क्या रही मैं भाग के आ जाऊंगी मम्मी सामने छलांग मारी है हाँ तो मैं भाग के आ जाऊंगी तुम रहने दे बाहर मत निकल जाइए देख लिया बस नहीं है खुद तो डर रही है मुझे डर आ रही है सॉस की चटनी था तो वो अपने साथ ले गए बंदरों के चक्कर में हमारी चाय चल गई और देखना क्या किया है ये कैसे आराम से ले बाजरे बाजरे खा रहे हो मम्मी चाय बना रही होंगी और चाय बना के जैसे ही फिरी हुई वैसे ही बंदर आ गया अब गैस बंद करी नहीं बंदर आया वो उससे बुझ गई मम्मी चली गई बाहर बाप रे मतलब कि 15 मिनट से गैस चली रही है सारे गेट वगैरह खोल दिए हैं लाइट वगैरह बंद कर दिए हैं तब जाके चाय बनेगी ये देखो ये एक माह में बनाने बताओ तुम एक अपन जैसे तो खा ना पाते ऐसे चूस चूस के इंसान से भी अच्छे तरीके से खाइए तो गाइस आज सुबह सुबह मुझसे ये टूट गया यार मैं इधर से कुछ सामान उठा रही तो मेरा हाथ लग गया और टूट गया बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार क्योंकि ये पहला गिफ्ट था जब भैया ने मेरे को रक्षाबंधन पे ये दिया था उसके बाद तो ढेर सारे गिफ्ट आते ही गए पर ये बेस्ट था और कुछ वो तुझे क्या मिला था मुझे तो याद आ गया गाइस वो जो शिप में जो मोती रहते हैं ना मोती के साथ साथ मोती की रिंग भी थी इयररिंग्स भी थे इयररिंग्स और रिंग तो खो गई गले का रखा हुआ है अभी मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी ना वो दिया था भैया ना खुशी को वो भी अच्छा था ये भी अच्छा पर अभी ये टूट गया तो ये बुरा हो गया बाकी खुशी का तो अभी तक रखा है मम्मी से पूछ लो क्या मैं तो खाऊंगी नहीं तुम क्या मेरे बिना खा लोगे हाँ हम खा सकते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है तो पूछो जाके खुद जी जी मम्मी की लाडली मैं हाँ तो फिर भी तू पूछ के हाँ मैं नहीं पूछ रही बेड़ा ही समोसा इनको खाने और पूछ रहे मुझको भेज दिया मम्मी कुछ और भैया को बेड़ा ही समोसे खाने हैं ले आओ पता नहीं आज उन्होंने कैसे हाँ कर दी इतनी आसानी से कैसे हाँ कर दिया मुझे खुद नहीं पता समझ ही नहीं आ रहा पता है इन लोगों ने मुझे क्यों भेजा क्योंकि ये देखो परसों ही मेला गए थे और परसों मेला जाने के बाद आज खा रहे हैं और अगर ये लोग जाते तो डांट पड़ती मेरे से पता नहीं क्यों हाँ कर दी शायद मैं सच में ही लाड़ ली हूँ क्या मम्मी की क्योंकि सबसे ज़्यादा जूते तो मुझ में ही पड़ते हैं चलो अच्छी बात है तो भैया गया है गाइस समोसे बेड़े लेने के लिए
फाइनली गाइस भैया बेड़ई और समोसे लेके आ गया है। खुशी भी अपनी सफाई करने लगी जब पता चला कि भैया आ रहा है। तो मैंने नहा लिया है, अब मैं पोहा खा रही हूँ। मैंने पता है कल से ही सोचा था कि आज मैं मतलब थोड़ी बहुत डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब कि जैसे तब अपने फूड पर थोड़ा सा कंट्रोल करूंगी। मैंने कल ही सोचा था कि आज से मैं डाइट करूंगी। और ये देखो इनका पोहे बहुत टेस्टी है। तो क्या लगता है गाइस, मेरे समोसे बेड़ाई खाएंगे? जिसको लगता है कि मैंने अपनी डाइट तोड़ दी वो कमेंट करे, जिसको नहीं लगता है कि मैंने अपनी डाइट नहीं तोड़ी वो भी कमेंट करे। जल्दी से मैं देखना चाहती हूँ कि पर किस किस को भरोसा है, तो जल्दी से कमेंट करो। चलो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय बाय बाय।